बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जद्दा में जो है वो पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ पे जो है रूम का करवाने लगी हूँ आपको विज़िट। ये देखिए, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, साथ जाए नमाज है, फ़ोन पड़ा हुआ है और यहाँ पर LCD लगी हुई है। उसके बाद सबसे पहले जो है फ्लोर ये वाला एरिया, ये देखिए यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है और साइड टेबल है, यहाँ पे AC लगा हुआ है, ये पर्दे, और इधर जी ये सोफा रखा हुआ है सोफा। उसके बाद हम लोग इंटर हो रहे हैं इस रूम में। तो यहाँ पे अभी तक वैसे का वैसा सामान पड़ा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पे सिंगार शीशा लगा हुआ है और इधर जो है हम लोग सोए हैं। यहाँ पे बेड है, साइड टेबल है, AC भी लगा हुआ है, पंखा भी चल रहा है, और इधर ये पर्दे हैं। और ये साथ उन्होंने एक अलमारी दी है कपड़ों वाली, ये देखिए। अच्छा जी, दो रूम हो गए। अब आपको थर्ड दिखाती हूँ, किचन। ये जी किचन है, किचन में ये फ्रिज रखी हुई है जिसमें ये कोक हमने रात की रखी है, और ये जो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। उसके बाद फ्रिज के साथ ये देखिए ओवन पड़ा हुआ है और चूल्हे हैं। और ये जो है किचन की बोथी है, नाइस है, अच्छी है, नीट भी है, सफाई भी है। और ये चेक करें, प्यारे हैं। यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है। तो ये हम किचन है। उसके बाद जी आते हैं, साथ ही वॉशरूम है। तो ये जनाब की वॉशरूम है, यहाँ पे गर्म पानी है, यहाँ पे रखी हुई है मशीन, ड्राई मशीन। और ये देखें, ये जी वॉशरूम की लुक है। और अभी जो है मैं तो रात की सोई हूँ, अभी उठी हूँ, फिर सोने लगी हूँ। मुझे तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। और यहाँ पे आके सबसे पहले आपको पता है सिम्स वगैरह चेंज करनी, पैचेस लगाने, अल्लाहु अकबर। तो ना, अब रूम आप लोगों ने देख लिया है। और आंखें नहीं खुल रही, थकावट इतनी ज्यादा हो चुकी है। बाकी क्या बताने लगी थी, माइंड से निकल गया। चले फिर आगे आगे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी के लिए रूम इतना ही। ये कोई लेके आया था एजाज मेरे लिए, ओए अल्लाह, मुझे तो इसका जायका इतना अजीब लगा। ये कोई जो है ना उसका शरबत है, ओह अल्लाह, इतना कड़वा, इतना अजीब सा जायका था, मैंने तो नहीं पिया। उसके बाद यहाँ से उठाते हैं पानी, इसको रखते हैं फ्रिज में। बोतल सारी हमारी जो है वो हो चुकी है फ्रीज, पता ही नहीं चला मुझे। यहाँ से करते हैं फ्रिज को ऑफ, वो ना जो मैंने पानी रखा है वो भी हो जाए फ्रीज। जी तो YouTube फैमिली, आप लोगों के साथ बैड न्यूज़ जो है वो शेयर करनी है, जो मेरे साथ एक मसला बन गया है। ये बैग चेक करें, ये सेम टू सेम जो है वो मेरे बैग की तरह था। इसके ऊपर वो प्लास्टिक कवर जो है हम लोगों ने लगाया हुआ था, और ये वहीं पे ना अभी ये पाकिस्तान में ही चेंज किया उन्होंने। इसके ऊपर जो इन्होंने ये लगाया हुआ है बोर्डिंग का कार्ड वगैरह, ये सेम टू सेम जैसे मेरा कार्ड पर सब कुछ डिटेल है वैसी लिखी हुई है।
और ये बैग जो है ना वो मेरा नहीं है, शक्ल भी सेम है और बस यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है बैग मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा लॉक जो है वो इस तरह का नहीं था, वो इससे छोटी थी और तरह की थी, चाबी नहीं लगी और बाकी सब कुछ जो है सेम टू सेम है। अब जद्दा एयरपोर्ट पे मैं तो ये बैग उठा के आ गई, क्योंकि ऊपर डिटेल भी यही लिखी हुई थी, और यहाँ पे आके जब हमने ओपन किया तो ये मेरा बैग नहीं है। अब पता नहीं क्या बनेगा, दोबारा जाएंगे एयरपोर्ट, पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, पता नहीं ये किस बेचारे का आ गया और वो मेरा ले गए होंगे, और बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सारे कपड़े इसमें थे, लेकिन शुक्र है कि ये एक जो मैंने अपने पास रखा हुआ था बैग, इसमें मेरे तीन जोड़े जो हैं वो हैं, वरना क्या बनता, तीन जोड़े मेरे हैं, बाकी मेरा छोटा मोटा सामान जो था वो भी मैंने इसी में डाला हुआ था और ये मैंने अपने साथ ही रखा हुआ था, लेकिन जो है उसकी बड़ी टेंशन। इजाज़ ज़्यादा छोड़ो, उसमें कपड़े थे, उसके लिए मैं इजाज़ को के लिए 5-6 किलो मिठाई लेके आई थी, बर्फी, शाही मेवे और सारा कपड़े वगैरह थे, उसमें गाउन थे उम्रे के लिए, तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। वो कह रहा छोड़ो, आप बंदा कहाँ इतनी दूर जाए दोबारा, पता नहीं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दे आते हैं हम जिसको। मैंने कहा अच्छा ये दे आते हैं और वो मेरे वाला नहीं पता करना, मैंने कहा मुझे तो वो ला के देना, कि मैंने इसका क्या करना है। बहुत ज़्यादा ये टेंशन बन गई है इधर आके, उस टेंशन में मुझे लगी। और ये मैंने पाकिस्तान से ली थी चीज़ें एयरपोर्ट से, और बस में मैंने कुछ नहीं खाया, बस में कह रही हूँ सॉरी, जहाज में मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे डर ही इतना ज़्यादा लग रहा था क्या खाते। तो अब लग रही है मुझे भूख, अब भी कुछ खाते हैं, वैसे खाना भी पड़ा है जो हम लोगों ने रात मंगवाए थे, वो रोटियां वैसे पड़ी हैं, करेले का सालन था, साथ चिकन था, फिर राइस थे, इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी उनकी बोटियाँ जाल डाली हुई थी उन्होंने, तो वैसे का वैसे पड़ा है। अभी ये खाते हैं, उसके बाद फिर सो जाती हूँ। शोहर मेरे जो हैं वो भी गए हुए हैं। चलिए जी, ओके जी, बाकी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट है, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो मेरा हो चुका था बुरा हाल, लेकिन यहाँ पे ऐसे चल रहा है तो ईजीली बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। तो कुछ दिन रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्रे के लिए हम लोग निकलेंगे, और वैसे आप लोगों के साथ उसके व्लॉग भी शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है जी।